अगला क्वेश्चन है कि जो है एसी सर्किट का रेजोनेंस कब होगा, और रेजोनेंस होगा तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। ठीक है, डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस टू अकर इन सीरीज ओके ऑफ एनसीआर सर्किट। तो हमारे पास कुछ एनसीआर सर्किट है एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन चाहिए और डिफाइन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले एनसीआर सर्किट बनाते हैं एन फॉर इंडक्टर ओके, ये हमारा इंडक्टर। अब देखो सी फॉर कैपेसिटर, दूसरा जो होगा वो हमारा कैपेसिटर होगा, और तीसरा आर है तो वो हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस। अब देखो इसको हमने एसी सर्किट से बांध दिया ओके, तो अब हमने इसको बांध दिया तो इसका क्या हो गया एनसीआर सर्किट हुआ। ठीक है, तब ये हुआ इंडक्टर, ये हुआ कैपेसिटर, ये हुआ रेजिस्टेंस ओके। तो एक एक्सएल, एक्सएल का मान होता है ओमेगा इंटू एल ओके। तो एक्सएल को क्या बोलते हैं हम लोग, ये हुआ इन क्या हुआ इंडक्टर हुआ, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्शन ओके। एक्शन हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन क्या हुआ इंडक्शन इंडक्टर हुआ इसका, और ओमेगा क्या हुआ एवनर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो अगर यहाँ पे कोई एसी से लगाया है तो यहाँ पे क्या होगा कुछ वोल्टेज होगा 220 वोल्ट का, और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा जो भी कुछ भी हो सकता है 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होता है। ठीक है, और ये हुआ एवनर फ्रीक्वेंसी। एक होता है आपका एफसी, इसको क्या होता है 1/ωC, सी क्या होता है कैपेसिटेंस, ओमेगा अभी बताया है एवनर फ्रीक्वेंसी, और एक्ससी है तो कैपेसिटर है, तो इसको बढ़िए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओके। और एक होता है हमारे इसमें रेजिस्टेंस है, और ये हमारा कौन सा सर्किट है सीरीज सर्किट है। तो देखो इसका पोटेंशियल जो उसको बोलेंगे VA, इसका पोटेंशियल को बोलेंगे VC, और इसका पोटेंशियल को बोलेंगे VR। ठीक है, तो सीरीज में क्या सेम होता है करंट सेम होता है ओके। तो करंट जो है इसमें सेम है इन सीरीज, करंट इज सेम इसमें जो होगा वो करंट क्या होगा वो हमारा सेम होगा। ठीक है, अब देखो तो इसमें एक होता है फेजर डायग्राम, इसमें जो भी स्टोरी जो होती है वो फेजर डायग्राम की होती है ओके। तो जो करंट होता है ना वो होता है आपका एक्स एक्सिस में, तो जो VR होगा रेजिस्टेंस एनॉन्ग वोल्टेज एनॉन्ग रेजिस्टेंस, सॉरी VR मतलब वोल्टेज एनॉन्ग रेजिस्टेंस, वो आपका किधर होगा एक्स एक्सिस के तरफ होगा, और जो वोल्टेज एनॉन्ग इंडक्टर वो होगा करंट से 90 डिग्री नीड करेगा। ठीक है, और जो कैपेसिटर वोल्टेज एनॉन्ग कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा करंट से 90 डिग्री लैग करेगा ओके। तो नीड का मतलब होता है आगे, और लैग का मतलब होता है पीछे। तो उसी भी प्रकार से अगर इधर होगा रेजिस्टेंस तो इधर होगा एक्स, इधर होगा एक्स ओके। तो यहां पे एक बात लिख लो, यहां टेक हो गया, अब ऊपर का पोर्शन हमको रब करते हैं ठीक है। तो हमने क्या कहा वोल्टेज
लॉन्ग इंडक्टर और दूसरी भाषा में कहा था एक्शन मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस लीड करेंट बाई फिर पाई बाई टू और 90 डिग्री। ओके, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, वोल्टेज अलॉन्ग कैपेसिटर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट करेंट बाई फिर पाई बाय टू और 90 डिग्री। ओके, तो वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर के लॉन्ग होगा वो क्या करेगा, करेंट से पाई बाय टू पीछे होगा तो 90 डिग्री पीछे होगा। ओके, अब हुआ हमारे रेजिस्टेंस की बात है, तो वोल्टेज अलोंग द रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस वो क्या होगा, करंट के तरफ ही होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज अलोंग रेजिस्टेंस और वोल्टेज अलोंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज अलोंग करेंट। ओके, ये हो गया हमारा, तो देखो ये एक्शन इधर, एक्शन इधर और इधर, तब इसका जो है तीनों चीज क्या होगा, मतलब इसका जो है सब क्या होगा, एक्शन प्लस एक्सी प्लस आर, इसको वेक्टर फॉर्म में दोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक्शन बड़ा हो सकता है एक्सी से या फिर एक्सी बड़ा हो सकता है एक्शन से, ये दो कहानी हो सकता है। ओके, तो जब एक्शन बड़ा होगा एक्सी से तो इसका जो होगा सम कितना होगा, एक्शन माइनस एक्सी। ओके, तो जब एक्शन माइनस एक्सी होगा, तो जब एक्शन माइनस एक्सी होगा तो ये हो गया आपका एक्शन माइनस एक्सी और इधर हो गया आर, तब इसका क्या हो जाएगा, एक्शन माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका रूट। ओके, अगर एक्सी बड़ा होगा एक्सेन से, अगर एक्सी बड़ा होगा तुम्हारा एक्सेन से क्या कहेंगे, एक्सी माइनस एक्सेन इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेड, और डेड मतलब इम्पीडेंस। ओके, तो आपका इम्पीडेंस कितना हो गया कि इंडक्टिव कैप रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर का रूट, ये हो गया आपका इम्पीडेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीआर सर्किट की कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा करेंट, ये हुआ तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये हुआ तुम्हारा एक्सेल, ये हुआ तुम्हारा एक्सी। अच्छा, ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाए, ये भी हो सकता है तुम्हारा। ओके, जब दोनों बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस, दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस के बारे में क्या लिखेंगे, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस
एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल इज कॉल्ड रेजोनेंस. ओके, मतलब एक्सएन जो होगा एक्सटी के बराबर होगा, तो एक्सएन का मान होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सटी का मान होता है वन बाय ओमेगा सी. तो तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर का मान हो गया वन बाय ओमेगा सी और ओमेगा का मान हो गया वन बाय ओमेगा सॉरी वन बाय एन सी और इसका मान कितना होगा वन बाय एन सी का रूट. ये हो गया तुम्हें क्या कहते हैं एवलर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस. ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इतना होता है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस ऑफ एनसीआर सर्किट, ये सिर्फ एनसीआर सर्किट में होता है और कोई दूसरा सर्किट में नहीं होगा. तो हमारा इसका एक पोर्शन खत्म हो गया इस क्वेश्चन का. ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट बचा हुआ है. सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी फैक्टर. ओके, रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी चाहिए था वो हमने कर लिया, अब क्वांटिटी फैक्टर चाहते हैं. तो क्वांटिटी फैक्टर जो होता है ना एनसीआर सर्किट का रेजोनेंस का ही कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, इसने इस क्वेश्चन में पूछा है. ठीक है, तो क्वांटिटी फैक्टर क्या होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनसीआर सर्किट एट रेजोनेंस. ये क्या बताता है कि कितना शार्प होगा वो इसका क्वालिटी बताता है. ओके, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस को ये बताता है. ओके, तो क्वालिटी फैक्टर क्या है तुम्हारा, क्वालिटी फैक्टर क्या है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ quality factor is characteristic of sharpness of quality factor is characteristic of sharpness of LCR circuit at resonance. ये resonance भी कितना sharp होगा ये इसकी कहानी को बताएगा. ओके, इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. ओके, ये हो गया आपका शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. अब इसका जो फोटो बनता है वो कैसा बनेगा, ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी और ये हुआ आपका करेंट. तो देखो कोई कोई ऐसा कोई ऐसा बनेगा तो ऐसा बनेगा फिर ऐसा बनेगा कोई ऐसा बनेगा. तो देखो ये हुआ ज्यादा शार्प हुआ. ओके, तो इसकी क्वालिटी ज्यादा होगी. ओके, देखो इसका ग्राफ ऐसा क्यों होगा ना कि इधर से ऐसे क्यों जा रहा है. देखिए अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम हुआ बस आपको समझाने में आता है तो एक्सएन का मान क्या होगा वो कम होगा और एक्सटी का मान क्या होगा ज्यादा होगा. तो अल्टीमेटली जो है एक्सी माइनस एक्सएन का जो है वो आपका जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा. ओके, अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ज्यादा होगा तो आपका एक्सएन का मान ज्यादा होगा और एक्सी का मान कम होगा. तो अल्टीमेटली एक्सएन माइनस एक्सी का मान भी ज्यादा हो जाएगा. ओके,
लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आपका जो है रेजोनेंस पे है, ओके तो अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे है तो एक्सएन माइनस एक्ससी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, ओके और देखो जब आपका जो है एक्सएन माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएन का मान ज्यादा होगा होगा तो इम्पीडेंस ज्यादा होगा, और इम्पीडेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, और जब रेजोनेंस पे होगा तो करंट सबसे ज्यादा होगा, ओके तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि फ्रीक्वेंसी कम है तो इम्पीडेंस ज्यादा, करंट कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इम्पीडेंस ज्यादा, करंट कम, लेकिन एट रेजोनेंस इम्पीडेंस कम और करंट ज्यादा, ठीक है, ये हमारा इसका इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, ओके ये सिर्फ आपका एक नेचर ऑफ ग्राफ बताया। अब क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी स्टोर बाय एनर्जी डिसिपेटेड, और स्टोर एनर्जी कितना होगा आपका, एनर्जी स्क्वायर ये कितना हो आपका आई स्क्वायर आर, ठीक है, ठीक है तो कुछ कुछ इस प्रकार का होगा, तो इसका मान कितना होगा, सॉरी आई स्क्वायर इसका स्टोर का होगा आई स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइड बाय आई स्क्वायर इंटू आर, अब सही इतना होगा एनर्जी स्टोर कितना होगा आई स्क्वायर एक्सएन इंटू टी आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर कट गया टी से टी कट गया तो आपका मान कितना होगा एक्सएन बाई आर, ठीक है, या फिर आपका मान क्या हो सकता है एक्ससी बाई आर भी हो सकता है, एनर्जी दोनों में स्टोर हो सकता है, आप एक्स इनपुट कीजिए तो एक्स इनपुट कीजिए, एक्स इनपुट कीजिए आपका मान कितना होगा ओमेगा एन बाई आर क्वालिटी फैक्टर का मान, अगर जो है एक्स इनपुट कीजिएगा तो वन बाई ओमेगा सी आर, ये भी सही है, और अगर आप ओमेगा को हटाना चाहते तो ओमेगा का मान कितना होता है वन बाय रूट एन सी, अभी पर है तो इसका मान पुट कीजिए ओमेगा का मान वन बाय रूट एन सी ऊपर में एन और नीचे में आर, ओके तो हमारा मान कितना देगा रूट एन बाय सी और नीचे में वन बाय आर, ये हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, तो इट इज द कंप्लीशन ऑफ द आवर रेजोनेंस, थैंक यू।